इसराइल और हमास में पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी जंग हर गुजरते दिन के साथ भयंकर होती जा रही है। हमास के कब्जे वाले गाजा में इजरायली बलों के ऑपरेशन को कुछ हद तक सफलता जरूर मिली, मगर अभी भी गाजा से इजरायली सेना हमास को जड़ से खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर एक एक कर भीषण तबाही मचाने वाली इजरायली सेना को हमास के सहयोगियों से भी खुली चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि इजरायल के शीर्ष सैन्य नेता भी अब जंग को लंबा खींचने और कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ने का अंदेशा जता रहे हैं। वेस्ट बैंक में सीमा पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलेवी का कहना है कि इसराइल एक बहुमोर्चे युद्ध में है। लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक और गाजा और इनमें से कुछ मोर्चे फिलिस्तीन की सीमाओं के बाहर भी हैं। एक मोर्चे पर घटनाएं दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। इजरायली सीमा अधिकारियों से बात करते हुए हलेवी ने रमजान के महीने के दौरान इसराइल के तनाव बढ़ने के डर पर कहा कि सिर्फ शुक्रवार को नहीं बल्कि रमजान के सभी दिनों में अलर्ट रहने की जरूरत है। इस सप्ताह कई स्थानों पर हमले शुरू करने के कई प्रयास किए गए हैं जिनकी जानकारी सामने आई है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक पर सभी क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। किसी एक क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक घटना वास्तव में अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। माना जा रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ का बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अलावा लेबनान और सीरिया से इसराइल का तनाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि संभावित सुरक्षा खतरों पर इजरायली नेतृत्व के भीतर भी चिंता बढ़ गई है। लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी संगठन लगातार उत्तरी इजरायली सीमा पर बमबारी कर युद्ध के लिए ललकार रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने भी हिजबुल्ला लड़ाकों का बखूबी सामना करते हुए जमकर पलटवार किया है। कई मौकों पर खुद PM नेतन्याहू भी हिजबुल्ला के हमलों से बाज आने की चेतावनी दे चुके हैं। बावजूद इसके हिजबुल्ला लगातार हमास के समर्थन में इसराइल पर दबाव बना रहा है। इस सब के बीच बीते दिन इजरायली मीडिया ने इजरायली बस्ती में संभावित घुसपैठ का अलर्ट देते हुए अल खलील के पास सायरन बजने की जानकारी दी थी। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो अल खलील के ओल्ड टाउन में बसे लोगों के घरों और अंधाधुंध फायरिंग की गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मोसाद चीफ दोहा में कतर के PM और मिस्र के साथ गाजा युद्ध विराम चर्चा को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि रमजान के महीने में दोनों पक्षों के बीच सीज फायर पर बात बन पाएगी या पहले की तरह युद्ध तेज होगा।